यूपी सरकार के मंत्रियों की बदजुबानी का सिलसिला जारी है। अखिलेश सरकार में पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने गाजीपुर जिले की एक आम सभा में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी मुखिया मायावती को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। इससे पहले भी ओम प्रकाश सिंह मथुरा में विवादित बयान दे चुके हैं। हम मायावती जैसी बदसूरत औरत को भी 5 साल बाद बात कर सकते हैं, तो हमारे पार्टी के अगले कतार में नेताओं को 1 घंटा आधा घंटा बर्दाश्त करने में कोई नहीं करोगे, हमें भरोसा में विश्वास। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के सागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कभी बीजेपी नहीं छोड़ी थी, बल्कि पार्टी ने ही उन्हें निकाल बाहर किया था। ये सागर में मैं जब आई थी, जब भारतीय जनता पार्टी से मुझे निकाल दिया गया था, क्योंकि आपको ये पता नहीं है मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं थी, मुझे भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया था और मैंने मना किया था कि मुझको भारतीय जनता पार्टी से मत निकालो। आप गलत कर रहे हो, आप नियम विरुद्ध कर रहे हो, लेकिन फिर भी जब मुझे निकाल दिया, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था, मैं अयोध्या की तरफ चली, तब मैं यहाँ सागर से निकली थी। उसके बाद ये दूसरा पब्लिक प्रोग्राम है जो कि मेरा सागर में हो रहा है। उमा भारती ने यह भी कहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश के सागर में उमा ने कहा कि वो 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि किस सीट और किस राज्य से उन्हें लड़ना है, इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे। नीतीश कुमार की सेवा यात्रा आज कटिहार पहुंची है। सेवा यात्रा निर्धारित समय से 1 घंटा देर से पहुंची। यहां नीतीश कुमार ने मनरेगा योजना के तहत बने एक सोशल पार्क का उद्घाटन किया। सेवा यात्रा लेकर कटिहार पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध भी हुआ। कोसी बेदारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सामने नीतीश के विरोध में नारेबाजी की। ये लोग नगर निगम की ओर होर्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हल्का बल प्रयोग कर नगर निगम के सामने से खदेड़ दिया। कोल आवंटन घोटाले में सीबीआई अब पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता से पूछताछ कर सकेगी। इस बारे में केंद्र सरकार ने सीबीआई को इजाजत दे दी है। फिलहाल गुप्ता भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सदस्य हैं। गुप्ता की भूमिका की जांच के लिए सीबीआई की गुजारिश को पहले सरकार ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में पूछताछ के लिए मंजूरी दे दी थी। हीरोइन जिया खान सुसाइड केस में गिरफ्तार उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को कोर्ट ने 27 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस ने अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज को गिरफ्तार किया था। आज मुंबई के अंधेरी कोर्ट में सूरज को पेश किया गया। पुलिस ने उसकी कस्टडी मांगी, लेकिन सूरज को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बुलियन कारोबारी पृथ्वीराज कोठारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। छापे के दौरान अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। आयकर अधिकारियों ने कोठारी से जुड़े 50 ठिकानों पर छापेमारी की। उनकी कंपनी रिद्धि सिद्धि बुलियन लिमिटेड पर कर चोरी और सोने के फर्जी आयात निर्यात का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने मुंबई से एक बुकी फिरोज अंसारी को गिरफ्तार किया है। फिरोज अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का करीबी माना जाता है। बुकी रमेश व्यास से पूछताछ के दौरान फिरोज का नाम सामने आया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने फिरोज को दबोच लिया। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में उसे भेजा है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने देशवासियों से सोना न खरीदने की सलाह दी है। सोने के बढ़ते आयात को देखते हुए चिदम्बरम ने बैंकों से कहा है कि वो ग्राहकों को गोल्ड में निवेश करने की जगह दूसरी बचत योजनाओं के बारे में बताएं। चिदम्बरम ने खराब अर्थव्यवस्था की बात खारिज कर इसे स्थिर बताया है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही रुपया संभलेगा और महंगाई भी कम होगी। रुपए में भारी गिरावट से परेशान भारत सरकार के लिए राहत की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत के क्रेडिट आउटलुक को नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल यानी स्थिर कर दिया है। फिच का अनुमान है कि 2014 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 5.7% और 2015 में 6.5% रह सकता है। एक साल पहले ही फिच ने भारत की रेटिंग आउटलुक को घटाकर नेगेटिव करा दिया था। बुलंदशहर के चर्चित ताड़ौली ऑनर किलिंग मामले में पीड़ित महविश के परिजनों ने पुलिसिया कार्रवाई से तंग आकर पुलिस की मौजूदगी में खुद को आग लगा ली। करीब 90% जलने की वजह से महविश के जेठ को दिल्ली लाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं महविश, उसकी जेठानी और देवर को पुलिस ने बचा लिया है। महविश का आरोप है कि पुलिस उस पर अपने शौहर की हत्या का गुनाह कबूलने का दबाव बना रही है और इसी से परेशान होकर महविश के परिवार वालों ने आत्मदाह की कोशिश की।
आदमी को खुद मारा है, किसी ने नहीं मारा। तुम पूरे गांव को खामिखा फंसाना चाहती हो, पंचायतों को, पूरे गांव को तुम फंसाना चाहते हो। मैं कहना ये है, अगर वो हमें आके धमकी नहीं देते मरने की और हमसे लोग झोंक नहीं करते, मतलब मेरे जेठ यूसुफ पे अकड़ा तकली नहीं करते, तो शायद कल ऐसा नहीं होता। अमजद अली गुड्डू और पुलिस का, ये दरोगा साहब का, इंस्पेक्टर साहब का कहना यही है कि हम में से एक एक मरता रहे। मायावती सरकार में कैबिनेट सचिव रह चुके शशांक शेखर सिंह का लंबी बीमारी के बाद बीती रात दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। शशांक शेखर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के काफी करीबी माने जाते थे। वो पहले ऐसे अधिकारी थे जो आईएएस ना होने के बावजूद राज्य के कैबिनेट सचिव बने थे। यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइन्स में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। यहां एसपी एमएलए के पति अपने ही घर के गेट पर अंदर जाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखे गए, लेकिन विधायक लक्ष्मी गौतम ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। पति का आरोप है कि लक्ष्मी विधायक बनने के बाद एक तीसरी दूसरे लड़के के साथ रह रही है, जबकि विधायक ने अपने पति पर ही उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लक्ष्मी गौतम चंदौसी से समाजवादी पार्टी की विधायक है। दिल्ली में मिनी टेम्पो और कार की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। यह हादसा वसंत कुंज इलाके के नेल्सन मंडेला मार्ग पर हुआ, जहां देर रात एक तेज रफ्तार टेम्पो और कार में टक्कर हुई। इस टक्कर में टेम्पो पर सवार चार लोगों में से एक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। इस हादसे में कार सवार भी बुरी तरह से घायल हुआ। इंदौर के पास सिरपुर गांव में कल एक टू सीटर ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में सवार कैप्टन और ट्रेनी पायलट दोनों ही बाल बाल बच गए। एक ट्रेनी पायलट को प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तभी इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कैप्टन ने प्लेन लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन प्लेन खेत में जा गिरा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से तीन बच्चे बुरी तरह झुलस गए। ये बच्चे घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे, तभी पतंग की डोर हाई टेंशन वायर से टकरा गई और यह हादसा हो गया। झुलसे बच्चों का इलाज बल्लभगढ़ के एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है, इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर है। फरीदाबाद में प्रॉपर्टी डीलर के परिवार ने खुदकुशी की कोशिश की है, इनमें डीलर की पत्नी, बेटी और बेटा शामिल हैं। अब ये सभी लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 16 का है। खबर के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर विपिन कपूर का कारोबार ठप पड़ जाने की वजह से वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जिससे घर में आए दिन झगड़ा होता था। इन झगड़ों से परेशान होकर ही विपिन की पत्नी ने अपने बेटे और बेटी के साथ जहर खा लिया। फिलहाल तीनों का इलाज चल रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया 3 बजे। फिलहाल